प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रथम पाद साइन 18 degree डिवाइड बाय कॉस 72 degree। आप जरा ध्यान दो, कितना इजी क्वेश्चन है। साइन 18 degree अपॉन कॉस 72 degree, यहां से हम इसको ले सकते हैं साइन 18 अपॉन कॉस 72। यहां से साइन इसको देखिए 90 माइनस 72 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री। ध्यान से आप देखें, हमने यहां पर 18 को परिवर्तित किया है। कैसे? 90 माइनस 72 आप देखें अगर, तो 90 में से अगर आप 72 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। मतलब इस 18 डिग्री के स्थान पर हम 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। इसको हमने परिवर्तन किया है, लेकिन अगर हम देखें ध्यान से तो क्या कोई परिवर्तन है? नहीं। अंश या हर में से किसी एक को चेंज करते, जैसे यहां हमने 18 को हटाया तो 18 के स्थान पर 90 माइनस 72 लिख दिया। अगर हम हर को चेंज करते तो 90 माइनस क्या लिखते? 18 लिखते। अगर हम 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा? आप देखो 72 आपको मिलेगा। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब आपको याद होगा कि जब इसका फार्मूला हम पिछले वीडियो में बना करके आपको दिए थे तो ये वैल्यू किस चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में आपको हम पढ़ाए थे, याद दिलाए, 90 माइनस थीटा क्या था? 90 माइनस थीटा क्या था? कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा आपका क्या था? कॉस थीटा। और इस कॉस को हम साइन 90 माइनस थीटा, ये जब आपको कॉस थीटा मिला था तो यहां से हमने क्या किया? इसको चेंज किया। और ये भी बताए थे 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में अगर है तो इसमें ए शब्द होता है, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव। सारे मान प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। द्वितीय में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तृतीय में टैन और टैन का व्युत्क्रम काट है। और सी कॉस और सेक पॉजिटिव। दूसरी चीज आपको बताए 90 प्लस 90 माइनस में परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन? साइन का परिवर्तन कॉस, कॉस का परिवर्तन साइन, टैन का परिवर्तन काट में, काट का परिवर्तन टैन में, सेक का परिवर्तन कोसेक में, कोसेक का परिवर्तन सेक में। तो यहां से आप देखो हमने प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हमको क्या मिला? कॉस 72 डिवाइड बाई कॉस 72। यहां से देखो आप कॉस 72। अब ये कट गया, पूरी तरह से कैंसिल हो गया, क्या आया? आपको एक आया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? एक हो गई। हम इस प्रकार से ऐसा लिख दिया। इसी को हम आप देखो अथवा करके इसी को हम हमने क्या कहा? कोई जरूरी नहीं है कि आप कह सकते हो सर हम क्यों अंश को भी चेंज करें, हर को भी चेंज कर सकते हैं। तो कीजिए, फिर देखिए उसी क्वेश्चन को, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री। यहाँ से साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई
यहाँ से cos को हम चेंज कर रहे हैं, तो हमने आपको पहले बताया 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। आप जरा ध्यान दो, यहाँ से 90 में से अगर हम 80 घटाएं तो कितना आएगा, 72 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये साइन यहाँ से 18 डिग्री डिवाइड बाय cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, साइन 18 डिग्री। ये साइन 18 साइन 18 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा यहाँ से एक आएगा। तो इस तरह से आप देखिए ये क्वेश्चन दो प्रकार से, चाहे हम अंश को चेंज करें या हम हर को चेंज करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पहले का पहला पॉइंट कंप्लीट होगा। आगे जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ से इसका सेकंड पॉइंट आप देखो, यहाँ से ऐसे इसका एक पार्ट और देखिए जरा सा, सेकेंड पार्ट भी आप देखो यहां से क्या लिखा है, टेन 26 डिवाइड कॉट 64 डिग्री। यहां से इसमें भी देखिए किसी एक को चेंज कर दीजिए, आप देखो अगर हम 90 डिग्री में से 90 में से 64 घटाएं तो बिल्कुल हमको मिलेगा क्या, आप देखो 26 आएगा कि नहीं आएगा। अब घटा के देख लो, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2। तो इस तरह से आप जब देखोगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं इज इक्वल टू का चिन्ह लगा दिया हमने, टाइम क्या लिख दिया 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री डिवाइड बाय और कितना 64 डिग्री। मतलब कहने का कि अंश या हर में से किसी एक को हम चेंज कर सकते थे, तो tan 90 माइनस थीटा हमको क्या मिला, cot थीटा। तो cot कितना 64 डिग्री और बटे cot कितना 64 डिग्री, ये हमको मिला। यहाँ से एक आया फिर वैल्यू क्या हुई, एक हुई। वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ, किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में, तो आल पॉजिटिव होता है और tan का परिवर्तन किसमें होता है, cot में होता है, cot का परिवर्तन tan में होता है। तो इस प्रकार से आप देखो इसका आंसर आपको मिल गया। ऐसे एक पॉइंट और देख लेते हैं इसका, आप जरा ध्यान दो इसमें चार पॉइंट होते, एक पॉइंट और आप देखो ध्यान से, चलो अंतिम पार्ट लेते हैं, एक पार्ट आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। यहाँ से ये देखो क्वेश्चन 31 माइनस सेक 59, ये देखो आप यहाँ से आपको मिला है, ये जरा देखो ध्यान दो, क्वेश्चन 31 किसी एक को हमने क्या कहा, दोनों में से किसी एक को चेंज करो, चलो इसी को चेंज कर देते हैं, सेक 90 माइनस कितना 31। कभी कभी छात्र क्या करता है, 90 में से 59 घटा देगा। अब आप बताओ 90 में से अगर 59 घटाओगे तब तो 31 आ जाएगा, तो परिवर्तन कीजिए लेकिन परिवर्तन ना हो। जैसे हम 59 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 31 घटाने पर नीचे जाए। जैसे 4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 ऋण 2, मतलब ये परिवर्तित ना हो, इस तरह से हमने लिखा। अब आप जरा देखो कोशक 31 माइनस फिर एक चतुर्थांश में, प्रथम में है आल पॉजिटिव होता है, तो सेक का परिवर्तन किस में होगा, कोशेक में होगा। तो क्या आया आपके लिए कोशेक 90, सॉरी कोशेक कितना 31, सेक 90 माइनस थीटा कोशेक थीटा। अब ये क्या हुआ, देखिए दोनों पद सेम है कि नहीं सेम है, ये दोनों पद जब सेम है तो यहाँ से क्या हो गया, ये कट गए, कटने के बाद ये जीरो मिल गया,
इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, आंसर के रूप में लिख सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ से दूसरे में दो पार्ट हम आपके लिए एक बार लेकर के चल रहे हैं, यानी लिखा है दिखाइए। दिखाइए क्या कि ये देखिए पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर एक दो का ये पहला पार्ट है। 10 48 degree इंटू 10 23 degree इंटू 10 42 degree इंटू 10 67 degree इज इक्वल टू। आपको अपनी बार वैल्यू नहीं निकालनी है, अपनी बार प्रूव करना है। आप यहां से क्या एलएचएस ले लो, मतलब 42। ये आपका 10 48 degree 10 23 degree 10 42 degree 10 67 ये हमने यहां से आप देखो लिख लिया। किन्हीं दो को चेंज करना है, अब जैसे आप देखिए 48 तो 48 42, अगर हम 90 में से 42 घटाएं तो हमको 48 आएगा कि नहीं आएगा, घटा के देखो ना। और अगर हम 90 में से 67 घटाएं तो कितना आएगा, 23 आएगा। तो किन्हीं दो को आप क्रम से चेंज कर, याद है हम लिख क्या रहे हैं, 48 को चेंज कर रहे हैं, 48 के स्थान पर 90 माइनस कितना 42 लिख दी। एक बार चेक भी कर लो, 90 में से आप 42 घटाओ कितना आएगा, 48 आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे आप यहां जरा देखो इंटू 10 कितना, 90 में से आप कितना 67 या लेके चलो इंटू 10 42 इंटू 10 कितना 67। अदर को हमने चेंज नहीं किया, हमने क्या कहा कोई दो चेंज कर लीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे बिल्कुल इस प्रकार से लिखा हुआ है 48 और 42 में रिलेशन है। आप देखो ना 8 2 10 और 4 4 8 9 90 आएगा, 23 और 67 को जोड़ोगे तो 90 आएगा। तो यहाँ से हमने दो को चेंज कर लिया और परिवर्तन तो किया है, दिखाई पड़ रहा है लेकिन परिवर्तन है नहीं। आप 90 में से 42 घटाओ ना 48 देगा। तो यहाँ से टाइम 90 माइनस थीटा के हम प्रथम चतुर्थांश में है, आल पॉजिटिव है और टेन का परिवर्तन किस में और तो काट 42 डिग्री। ऐसे टेन कितना, टेन 90 माइनस थीटा कितना कॉट 67 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब जरा देखिए आपको एक सूत्र हम पढ़ाए थे पीछे याद दिला दे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहां बताए थे टैन और प्लाट का गुणा हो, टैन और प्लाट का गुणा एंगल समान हो उसका मान एक होता है, साइन और कोसेक का गुणा हो तो मान एक होता है, कॉस और सेक का गुणा हो एंगल समान हो तो मान एक होता है, ऐसे टैन और प्लाट। तो यहां जरा देखिए टैन 42 और cot 42 पास पास ले आए, यहाँ देखिए tan 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री, ऐसे tan
67 डिग्री इनटू कॉट 67 डिग्री, यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई एंगल समान होने पर क्या आया 1 × 1 = 1। तो आप जरा देखो यहां से tan थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, तो 1 × 1 = 1। इस तरह से आप देखिए ये आपका कौन सा पार्ट आ गया, आर यस यस। ऐसे आपको इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करके देखना है। आप जरा क्वेश्चन नंबर पढ़ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये tan 2a बराबर, यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान, अब आप जरा ध्यान से देखो tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो a का मान ध्यान दीजिए। अब यहां से आपको पता है इसको हम cot के पदों में क्या लिख सकते हैं, आप जानते हो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, tan होता है। तो यहां टाइम को हमें चेंज करना है, तो इसका मतलब 2a यहां पर थीटा के स्थान पर क्या है 2a, तो यहां से हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं का 90 माइनस कितना 2a, तो यहां थीटा, यहां थीटा, अब यहां क्या है 2a है, यहां क्या आएगा tan 2a आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग खुद समझो इसको। अगर इस फार्मूले का हमने यूज किया cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो थीटा के स्थान पर मेरे पास क्या है 2a है, तो हमने ट्रांसफर किया 2a, थीटा इक्वल टू 2a, तो जहां जहां थीटा था वहां 2a आ गया, यहां भी 2a आ गया, तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा ये हमको मिला। तो यहां से ये आपको देखिए, यहां से क्वेश्चन आपने पहले नोट कर लिया tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस कितना 18, यहां से हम इसको लिख सकते हैं cot कितना 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। याद देखो cot यहां से, फिर आप देखो यहां से इस चीज का प्रयोग हमने यहां पर किया, cot से cot हट जाएगा, तो यहां से 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब आप इक्वल पदों को एक साथ कर लीजिए, 2a को ट्रांसफर करके इधर कर लीजिए, 18 को इधर ले आइए, तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a। साइन चिन्ह में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ये माइनस था तो इधर आया प्लस हुआ, और ये भी माइनस था तो इधर आया क्या प्लस, प्लस में प्लस जुड़ेगा तो आप देखो कितना आएगा 108, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 होगा, और 9 1 कितना होगा 10 होगा इज इक्वल टू 3a, यहाँ से 3 से इसको आप डिवाइड करो तो कितना मिलेगा, देखो यहाँ से 3 3 का 9 और कितना 1 बचा 3 6 18,
तो a की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 36। यही आपसे बिल्कुल पूछा था। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका थर्ड कंप्लीट हुआ। आप जरा देखो यहाँ जो समझने की बात है, केवल इस लाइन को समझना है। यहाँ से tan 2a को हमने परिवर्तित किया, लेकिन परिवर्तित नहीं, tan 2a के स्थान पर हम cot 90-2a लिख दिए। और tan cot जानते हैं, cot 90-θ प्रथम चतुर्थांश में है तो पॉजिटिव होगा और cot का परिवर्तन tan में होगा। तो इस नाते हमने इसके स्थान पर यहाँ से ये लिखा है। बाकी कैलकुलेशन है, cot से cot को हमने हटाया है। 90-2a = a-18। यहाँ से 2a और a जुड़ गया, 18 में 19 जुड़ गया तो 108 आया। 3 से हमने डिवाइड किया, 36 आया। एक क्वेश्चन और ज़्यादा देखते हैं। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, और मजेदार क्वेश्चन ये है। आप देखिए जरा सा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है। यदि tan a बराबर tan b, सॉरी cot b, तो दिखाइए दिखाइए क्या कि a प्लस b इज इक्वल 90 डिग्री। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत पूछे भी जाते हैं। क्या आपको दिया है tan a बराबर cot b, फिर वही पिछले क्वेश्चन की बात आ गई। या तो इधर cot आ जाए और या तो इधर क्या आ जाए tan आ जाए, तब आप हटा सकते हो। तो फिर वही चीज, tan का cot के पदों में हमने कोई अहम सूत्र बताया, क्या बताया, हम tan a को लिख सकते हैं cot यहां तो tan बराबर cot b, तो दिखाइए a प्लस b बराबर 90। तो हमने क्या किया tan a, भैया tan बराबर cot b, तो यहां से हम tan, मैं ये बता रहा था tan को या cot को चेंज करो, तो tan को हम क्या लिख सकते हैं cot 90-a, नहीं लिख सकते tan को हम लिख सकते हैं cot 90-a। तो tan a इक्वल टू cot 90-a, तो cot 90-θ क्या होता है tan थीटा। मतलब मेरे कहने का हम इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। देखिए cot 90-a इज इक्वल टू cot b, यहां से cot से cot कट जाएगा, यहां से 90-a इज इक्वल टू क्या है दिया है, यहां पे। अब जरा आप देखो किसको किसको साथ लिया है, a प्लस b, तो जरा ए को इधर ट्रांसफर कर दो, निगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या मिला b प्लस a मिला। या आप इसी चीज को a प्लस b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 90 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से आप देखो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, वही चीज अगर हम चतुर्थांश में जितने भी फार्मूले समझ करके लिखाए हैं उसको आप तैयार कर लीजिए, तो शायद आपकी समस्या नहीं आएगी। ऐसे इसमें देखिए 3 क्वेश्चन और है, 5th, 6th, 7th, अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कल क्वेश्चन करेंगे, हम इसमें 2 क्वेश्चन और लेकर के आपके लिए चलेंगे। धन्यवाद।